हेलो माय लव्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ करंट फीलिंग पर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर इस वक्त क्या है, एनर्जीज में क्या अपडेट है और क्या वो उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ हम एंजल्स मैसेजेस इसमें देखेंगे और यूनिवर्स के मैसेजेस भी हम इसमें कवर करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो और लास्ट में हम इनिशियल्स भी देखेंगे। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इस वक्त। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। जैसे अगर आप वीडियो को जो है अगर आप बेल आइकन को ऑन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो का अपडेट मिलेगा कि हाँ भाई वीडियो अपलोड हो चुकी है। चलिए देखते हैं आपके लिए पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। यहाँ पर से कुछ लोग मुझे स्टूडेंट देख रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे एक स्टूडेंट दिखाई दे रहा है बैग लेके, यू नो, छोटा सा लाइक 11th 12th का बच्चा या फिर ग्रेजुएशन में जो होता है उस टाइप का। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, अपना सपोर्ट दें एंड थैंक यू सो मच अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं। लव यू सो मच गाइस, मुझे भी लव यू ज़रूर बोलें। ओके, एक कार्ड जा चुका है नीचे, जस्ट अ सेकंड। Nine of Swords, current feeling of your partner, guys. Bottom है आपका Sun, Nine of Pentacle and the Hermit. Wheel of Fortune, my goodness, Ten of Swords. Okay, so यहाँ पे कोई इंसान या तो आप या आपका पार्टनर कोई एक ऐसा इंसान है या फिर दोनों हो सकते हैं जो अपना कर्मा फेस कर रहा है या ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी चल रही है इस वक्त। वो किसी पर्टिकुलर बैड सिचुएशन से रूबरू हो रही है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे डील तो करना चाहते हैं लेकिन वो सिचुएशन डील हो नहीं रही है। किंग ऑफ पेंटिकल के साथ में एनर्जी मिल रही है कि फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, करियर से जुड़ा हो सकता है, फिर बॉस का कोई प्लान मतलब बॉस का कोई प्रॉब्लम हो सकता है पर्टिकुलर, हो सकता है शायद बॉस परेशान कर रहा हो इस वजह से काफ़ी टेंशन हो, या फिर जॉब जैसी चाहिए थी वैसी नहीं है तो मे बी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ थ्री ऑफ कप्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल के में नाइन ऑफ सोर्स, ये दोनों तीनों चारों एनर्जीज बता रही हैं कि अगर आपने अपने पार्टनर के लिए यूनिवर्स के सामने सरेंडर किया था तो यहाँ पे उस इंसान को उसका कर्मा फाइनली मिल रहा है। ठीक है, और आपके पार्टनर अपना कर्मा फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने आपके साथ ही नहीं आप जैसी कई लड़कियों के साथ में या कई लड़कों के साथ में बुरा किया है। ठीक है, यानी कि वो प्ले बॉय या प्ले गर्ल रही होंगी या रहे होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से अब जब आपसे जुड़े तो आप काफ़ी आध्यात्मिक हो सकते हो, आप ईश्वर से काफ़ी जुड़े हुए थे जिसकी वजह से आपके साथ जुड़ने पर उस इंसान को उसका कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है आपका पार्टनर इस वक्त, वो काफ़ी मेहनत करता है अपनी ज़िंदगी में लेकिन उतना अर्न नहीं कर पाता जितना कि होता है। ठीक है, जितना चाहिए इस इंसान को, स्टक हो जाता है, मेहनत बहुत लगती है लेकिन हैंगमैन के नजीब में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ बुरा करने का कर्मा भुगत रही हैं और भुगत रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जजमेंट से आपको बोला जा रहा है कि अब तक अगर आपने यूनिवर्स के सामने सरेंडर नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर अपने कर्मा, आप जो भी कुछ आपके साथ गलत किया है उसका कर्मा भुगते, उसका फल भुगते, तो आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्स के सामने सरेंडर करना होगा, उनको जो वो कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग करने देना होगा। आप अपने बिल्कुल भी अपनी सलाह अपने टांग उसमें नहीं अड़ाएंगे, अगर अड़ाया तो फिर यूनिवर्स आपकी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, फिर कर्मा होता है भाई, कर्मा कर्मा के अकॉर्डिंग काम करता है। यहाँ पर आपको थोड़े से यू ना थोड़े से कुछ हम कह सकते हैं कि सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा
स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कर्मा के, जो कि अगर आपके पार्टनर के साथ में घटित हो रहा है तो आप उसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अगर हुए तो वो कर्मा रिपीट होकर आपके ऊपर आ जाएगा, फिर आपको वो कर्मा भुगतना पड़ेगा, आपका पार्टनर उस चीज़ से फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको फिर से रीजन मिलेगा, आपको रीजन हो जाएगा, आप फिर से रहने लग जाओगे, लव रिलेशनशिप फिर से चलने लग जाएगी, गाड़ी नो खत्म हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए जब यूनिवर्स आपके पार्टनर को कर्मा दे रहे हो तो कभी भी उस इंसान के लिए प्रार्थना ना करें कि भगवान इस इंसान को हीलिंग दें, नो वो कर्मा है, जब तक वो नहीं भुगतेगा तब तक सुधरेगा नहीं, जब तक सुधरेगा नहीं तब तक आपके साथ मिलेगा नहीं। इसीलिए उसको सुधरना बहुत ज़रूरी है। अब सुधरेगा तभी जब जजमेंट के अकॉर्डिंग आप सरेंडर कर दोगे और वो इंसान अपनी लाइफ में अपना कर्मा फेस कर, मतलब परेशान होने लगेगा, जो भी सिचुएशन उसकी लाइफ में जो उसको परेशानी दे सकती है, जो उसकी बहुत चहेती हैं, वो चीज़ उससे दूर होने लगेगी। तो ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि इंसान परेशान है, ठीक है, पता चल ही जाता है, बिकॉज यूनिवर्स तो यूनिवर्स है भाई, क्या ही कह रहे हैं उनके, तो ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में अगर करेंटली जो कैच कर रही हूँ, बहुत पूरी तरीके से पिटी हुई है भाई, बहुत गंदी एनर्जी है, रातों की नींद, सुबह का चैन, दोपहर का सब कुछ उड़ गया उनका, मतलब कुछ रहा ही नहीं है ज़िंदगी में, ना पैसे ढंग से कमा पा रहे हैं, ना शांति से रह पा रहे हैं, ना लव लाइफ अच्छी सी है, ना कुछ है, ज़िंदगी अटकी पड़ी है कम्प्लीटली, ठीक है। और एट ऑफ पेंटिकल के अकॉर्डिंग मेहनत से कम मिल रहा है और जितना मिल रहा है वो उतना इनफ नहीं है, तो वहाँ पर भी ये संतुष्ट नहीं है भाई कि भी मैं मेहनत भी दोगुनी हो रही है और फल भी नहीं मिल रहा है, यू नो, जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके, ठीक है। सन है बॉटम में, नाइन ऑफ पेंटिकल है एंड जजमेंट है, बिलो फॉर्चून है और साथ में आपका टेन ऑफ सॉर्ड्स है, जैसा कि मैंने कहा कर्मा। तो जब तक आप दोनों के बीच में बिलो फॉर्चून एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कर्मा नहीं पूरा होगा, तब तक यूनियन आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप कम्युनिकेशन, रिकन्सिलिएशन, सब कुछ, कमिटमेंट, वट एवर, जो भी आप सोच रहे हो अपने दिमाग में, सब निकाल दो। क्यों? क्योंकि अभी टेन ऑफ सोर्स अब बिलो फॉर्चून की एनर्जी अगर आप, तो आप लोगों के बीच नहीं आई तो फिर ये रीयूनियन, यूनियन होने वाला डिसीजन बिल्कुल भी होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप सन की एनर्जी चाहते हो, आप अपनी लाइफ में नाइन ऑफ पेंटिकल इन दोनों की एनर्जी चाहते हो, तो सबसे पहले आपको जजमेंट की एनर्जी में आना होगा, सरेंडर करना होगा कि ईश्वर आप जो करोगे मंजूर है, आप जैसा करोगे मंजूर है, संसार से दूर होना, अगर आप मुझे दूर कर रहे हो तो ठीक है, दूर होना मंजूर है, अगर आप एक कर रहे हो तो एक होना मंजूर है, आप जैसा कहोगे जैसा करोगे मैं वैसा ही करूँगा या करूँगी, ठीक है। कम्प्लीटली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, बिल्कुल बिलीव नहीं करना यूनिवर्स को, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बिल्कुल भी नहीं। सरेंडर मतलब सरेंडर, गो विद द फ्लो, लाइक अगर आपने गो विद द फ्लो का कार्ड देखा हो तो एक इंसान उसमें एकदम फ्रीली लहरों के साथ में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, वो विरोध नहीं कर रहा है लहरों का कि नहीं तैर के साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, कि नहीं हाथ पांव मार रहा है, कि नहीं भाई गहराई में नहीं जाना, नहीं, वो बस इत्मीनान से है बैठा, बहता जा रहा है, जहां लहरें लेके जा रही है वहां जा रहा है, ठीक है। तो आपको भी वैसा ही करना है, ठीक है। तो जो कुछ भी यहाँ पे था वो आपको, आपके पार्टनर को अवेकनिंग की तरफ लेके जाएगा, वो आपके लिए बिलो फॉर्चून के साथ में आपकी यूनियन, आपके आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की अवेकनिंग का रीज़न बनेगा। आपको अपनी इंडिपेंडेंस का यहाँ पे पूरा पूरा ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंस इन द सेंस नॉट नेगेटिव वे पे, कि नहीं अगर आपको आज़ादी नहीं मिली या फिर आपको आधी रात में बाहर जाना तो कोई आपको रोक टोक नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट कि भाई सारी चीज़ें एक तरफ, सेल्फ़ रिस्पेक्ट एक तरफ, अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट को किसी ने ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो धन्यवाद, आप जा सकते हैं या जा सकती हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर आएगी, कमिटमेंट मिलेगा, बच्चे भी, शादी भी होगी आपकी, आपकी आपकी अपनी खुद की फैमिली होगी, ठीक है। बहुत पैसा होगा आपके पास, रिच फैमिलीज बिलोंग करेंगे आप, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ तब मिलेगा जब कर्मा कम्प्लीट हो जाएगा, तब तक आपको इत्मीनान से जो हो रहा है बस शो देखें, एक जैसे कि टीवी में शो चलते रहते हैं ना, आप देखते रहते हो, बस आपको वैसा देखना है। अगर आपने यूनिवर्स के काम में, फिर से बोलूँगी, अगर आपने यूनिवर्स के जो आपके पार्टनर को कर्मा दे रहे हैं, जो भी उनका काम है, अगर आपने उसमें अपना इंटरफेरेंस दिया तो फिर यूनिवर्स जो करेंगे तो फिर आप देखोगे, ठीक है। यानी कि आपका शो फिर वो देखेंगे, अभी आप उनका शो देखो। कहने का मतलब सरेंडर में ये यही होता है कि आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर की तरफ अपना इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, ये तो कभी नहीं कि वो परेशान है तो जाके उसकी हेल्प करने लगो, पैसे नहीं है तो पैसे दे दो, नो कभी मत करना ऐसा, ठीक है। क्योंकि वो जो उसके साथ जो बुरा वक्त हो रहा है वो बुरा वक्त नहीं है, कर्मा है उसका, उसको तो सीखना पड़ेगा उस सिचुएशन, जैसे आपने सीखा अपनी सिचुएशन से। आप फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकल कर नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए हो, सन की एनर्जी में आए हो, बिलो फॉर्चून की एनर्जी में आए हो, तो क्या उस इंसान को नहीं सीखना पड़ेगा ये सब? सीखना पड़ेगा ना, आपने सीखा है उसको भी सीखना पड़ेगा,
वो भी आगे बढ़ेगा, तभी तो यूनियन होगा। क्योंकि हर्मिट आपका यहाँ पे है, टेन ऑफ सोर्स के तहत में बील ऑफ फॉर्चून है, तो ये सारी एनर्जीज बता रही है कि इस वक्त आपके पार्टनर का अवेकनिंग वक्त चल रहा है, टाइम चल रहा है। और इस वक्त अगर उस इंसान की अवेकनिंग नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके और आपके पार्टनर के डिसीजन यानी कि यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस बन जाएगा, ठीक है? तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अब ये देखते हैं आउटकम क्या है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि यूनिवर्स अगर आपके पार्टनर को कर्मा दे रही हो, कर्मा बेटा प्यार से तो देंगे नहीं, कर्मा तो कर्मा ही होता है, तो जाहिर सी बात है वो अपने अंदाज से देंगे, तो आपको वही चीज़ जो है देखनी है, ठीक है? चलिए देखते हैं। और Eight of Wands, Hermit again, Three of Cups, okay, दो कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे आपका, Page of Swords and Knight of Cups, again Wheel of Fortune. सो बताती हूँ, सी बॉटम में क्या है आपका जजमेंट। आप चाहें या ना चाहें आपको इस इंसान के अभी कुछ वक्त के लिए आपको मूव ऑन करना होगा। इस इंसान के ऊपर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करना बंद करें, इस इंसान की तरफ अपने बातों को अपनी एनर्जीज को भेजना बंद कर दें। फ़ायदा आप ही का है इसमें, नुकसान किसी का नहीं है, ठीक है? आपका और आपके पार्टनर का दोनों का फ़ायदा है। पेज ऑफ सोर्स से यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रही है कि कम्युनिकेशन सोशल मीडिया पे आप दोनों का हो सकता है, कुछ रोमांटिक मैसेज आ सकता है अगर आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है तब, ठीक है? अगर नहीं हुई है तो अभी आपको और वेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट है। हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए और आपके पार्टनर हर्मिट मूड पे रहें, यानी कि साइलेंट, कम्प्लीटली साइलेंट, कुछ भी ना पता हो, ना हाँ ना ना, ना गुस्सा ना प्यार, कुछ भी नहीं, ठीक है? बस साइलेंट, ठीक है? तो वो साइलेंट आपको एक्सेप्ट करते हुए खुद की अवेकनिंग पर लग जाना है कुछ समय के लिए। आप पर्टिकुलर मंथ दे सकते हैं, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 5 महीने, कि इतने वक्त तक मैं उस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी, जो भी वक्त है अपनी लाइफ के लिए लगाऊंगा, अपनी लाइफ के लिए लगाऊंगी, ठीक है? इस दौरान आपको डेफिनेटली कम्युनिकेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, एट ऑफ वॉन्स है आपका और पेज ऑफ सोर्स है, नाइट ऑफ कप्स है, तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि हाँ जी आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में, अपने पार्टनर की तरफ से। लेकिन अभी आपको कुछ वक्त का वेट करना पड़ेगा, ठीक है? सब्र के साथ में आपको चलना पड़ेगा और वो डेफिनेटली वर्क करेगा, ठीक है? और मेडिटेशन करें, दोस्तों की संगत अगर अच्छी है तो ठीक, अगर बुरी है तो प्लीज़ उसको कम कर दें, ठीक है? आप खुद समझते होंगे आपके जो दोस्त हैं, आपकी जो संगति है वो कैसी है। अगर आप अपने इच्छाओं को एक तरफ रख के अगर उस इंसान की सच्चाई देखें तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आप जिस संगत में हो, संगत अच्छी नहीं है, ठीक है? तो बिलो फॉर्चून यहाँ पर आपको कर्म डेफिनेटली बहुत अच्छे रूप में मिलेगा आउटकम, ठीक है? बहुत ही बढ़िया रहेगा आपका। बस आपको यहाँ पर कर्मा के अकॉर्डिंग यानी कि यूनिवर्स के बताए हुए पक्ष चिन्हों पर चलना होगा, उनका विरोध नहीं करेंगे आप, और साथ ही साथ में आपको सरेंडर करना है ताकि आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी एनर्जीज आए, ठीक है? चलिए देखते हैं। एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थ्री, थैंक यू यूनिकॉर्न्स, थैंक यू यूनिकॉर्न्स, थैंक यू फेदर, invisibility, Mother Mary, mystery, okay, Archangel Michael. आप में से कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के कुछ पर्टिकुलर यू नो सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कुछ है आपकी लाइफ में जो कि आपके सामने है, लेकिन आप अपने प्यार, अपने
खुद आप किसी इंसान से इतना प्यार करते हो कि उस इंसान से जुड़ा हुआ सच भी आप एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं हो, जैसे कि वो इंसान शादी कर चुका है तो वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, अच्छे से रह रहा है, उसकी फैमिली बढ़ रही है, ठीक है सब कुछ ओके चल रहा है उसकी मैरिज लाइफ में, लेकिन आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो कि वो मूव ऑन कर गया है, क्योंकि आप मूव ऑन करने को रेडी नहीं हो, राज़ी नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस गाइस, बिकॉज ये रिलेशन शायद कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं बना था जहाँ पे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज, किसी के लिए तो है, लेकिन आप अटके हुए हैं किसी इंसान पर, बिकॉज जो बॉटम का कार्ड है वो यही बता रहा है कि अब आपको फैसला लेने के वक्त आ चुका है कि आपको करना क्या है अपनी ज़िंदगी में, आपको रहना है कि नहीं रहना, आपको क्या प्यारा है, सिर्फ प्यार या सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर प्यार के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर कहूँ सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में प्यार। तो जो भी है आपकी चॉइस, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें, लेकिन याद रखिएगा आपके खुद के डिसीजन पे आपकी लाइफ की सिचुएशंस, हाथ से आपकी लाइफ के जो भी कर्मा रहेंगे आगे चल के, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह आप होंगे। आप आज जो भी डिसीजन लोगे, आप आगे चल के यूनिवर्स को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आप गलत इंसान को चुन रहे हो और आपकी इंट्यूशन आपको ना बोल रही है, उसका विरोध करके अगर आप किसी गलत इंसान को चुन रहे हो, तो आप इंट्यूशन को कभी भी दोष नहीं लगा सकते। आपको खुद की गलती खुद से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत है यहाँ पर कि आप सच को एक्सेप्ट करें, उस इंसान को छोड़ दें जहाँ पर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जो इंसान आपके लिए लॉयल नहीं है या फिर आपके लिए है ही नहीं, बस आप ही अपने मनगढ़ंत कहानियाँ लिए जा रहे हैं, मिस्ट्री बना हुआ है वो इंसान, सच पता नहीं है, बस अपने हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हो, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। अपने यूनिवर्स को, अपने यूनिकॉर्न्स को हेल्प के लिए बुलाएं, उनको बुलाएं, उनसे कहें कि वो आपकी प्रोटेक्ट, आपको प्रोटेक्ट करें, आपकी रक्षा करें बुरे लोगों से, बुरे एनर्जीज से, वो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। वैसे तो वो आपके पास में ही है, लेकिन आपको एक बार बुलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपने कभी अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर दिया हो, जिसकी वजह से आपने कोई गलत फैसला ले लिया, आप उसमें फंस गए, तो फिर आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड करना बंद कर दिया होगा कि आप उनकी सुनते नहीं हो, या फिर कहूँगी आप सुनते ही नहीं थे, वो तो बोलते थे लेकिन आप नहीं सुनते थे, लेकिन अब आपको सुनना है। बॉटम का कार्ड और यहाँ का कार्ड यही कह रहा है, बुलाएं अपने यूनिकॉर्न्स को, अपने यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को अपनी मदद के लिए, वो आपके आसपास ही हैं, तुरंत आपके पास आ जाएंगे, आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है। आपके लिए जो आपके एंजल्स हैं वो ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए अपने यूनिवर्स को अपना प्यार पूरा दें, और जो भी आपके यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं उसे ज़रूर पूरा करें, यानी कि अगर वो कहते हैं कि छोड़ दो तो छोड़ देना है, अगर वो कहते हैं मेडिटेशन करो तो मेडिटेशन करना है, आपको यहाँ पे अपने यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चलना है, आपकी लाइफ डेफिनेटली सफर जाएगी गाइस, ठीक है। सो यदि आपकी आज की रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।